हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ज़हीर खान और मैं आपको वेलकम करता हूं अपने चैनल ब्रेन गुरु में। आज का हमारा टॉपिक व्हाट्सएप से रिलेटेड है। दोस्तों, ये चारों सर्विसेज फेसबुक कंपनी की हैं और आप देख रहे हैं कि व्हाट्सएप कितनी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। व्हाट्सएप 1.5 बिलियन यूज़र्स के साथ फेसबुक के बिल्कुल करीब पहुँच चुका है। तो जनाब, व्हाट्सएप की इसी मकबूलियत को देखते हुए हम लाए हैं आपके लिए व्हाट्सएप की 30 टिप्स एंड ट्रिक्स। लेकिन दोस्तों, इस पार्ट में होंगी सिर्फ 10 टिप्स, बाकी होंगी अगले पार्ट्स में। तो चलते हैं टिप नंबर 10 की तरफ। दोस्तों, ब्लू टिक्स की मदद से हमें यह तो पता चल जाता है कि हमारा मैसेज रीड हो चुका है, लेकिन टिप नंबर 10 में हम सीखेंगे कि हमारा सेंड किया गया मैसेज किस तारीख को और कितने बजे रीड किया गया। तो दोस्तों, इसके लिए आपने अपने मैसेज पर लॉन्ग प्रेस करना है, यानी देर तक टैप करके रखना है। इससे ऊपर एक मेनू आ जाएगा और फिर आप 3 डॉट्स पर टैप करेंगे और इन्फो पर टैप कर देंगे। इस तरह हमें पता चल गया है कि हमारा मैसेज कब डिलीवर हुआ और कब रीड हुआ। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। दोस्तों, पहले दौर में सबसे पक्के दोस्त का पता लगाना हो तो देखा जाता था कि इसने हमारे लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं, इसने मुश्किलात में हमारा कितना साथ दिया है। लेकिन व्हाट्सएप की मेहरबानियां हैं कि दोस्ती का मैयार भी बदल गया है। तो ये पता लगाने के लिए कि व्हाट्सएप में आपका सबसे पक्का दोस्त, आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है, आपने मेन पेज पर 3 डॉट्स पर टैप करना है। फिर आप सेटिंग में जाएंगे और डेटा एंड स्टोरेज यूजेज में जाएंगे और उसके बाद आप स्टोरेज यूजेज पर टैप कर देंगे। जी जनाब, जो भी यहाँ पर सबसे टॉप पर है वही आपका सबसे पक्का दोस्त है। यानी दोस्तों, सबसे ज़्यादा डेटा आपने किसके साथ शेयर किया है ये हमें यहाँ से पता चल जाता है। दोस्तों, आप भी देखें कि आपका सबसे पक्का दोस्त कौन है। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। इसके लिए दोस्तों, पहला तरीका तो यह है कि आपने वाईफाई या डेटा को डिस्कनेक्ट कर देना है और उसके बाद आप चैट विंडो में जाकर मैसेज पढ़ लेंगे और फिर चैट विंडो से बाहर आ जाएंगे। तरीका नंबर दो यह है कि आपने मेन विंडो में जाकर 3 डॉट्स पर टैप करना है और सेटिंग में जाना है और फिर आप जाएंगे अकाउंट में और प्राइवेसी पर जाएंगे और फिर यहां से आपने रीड रिसीट्स को ऑफ कर देना है। इस तरह आप मैसेज तो पढ़ लेंगे लेकिन दूसरे आदमी के पास ब्लू टिक नहीं जाएंगे। दो बातें यहां बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये कि आपके मैसेज कोई दूसरा पढ़ेगा तो आपके पास भी ब्लू टिक आने बंद हो जाएंगे। दूसरी अहम बात यह है कि अगर आपको दूसरे बंदे पर शक है कि वो सीक्रेटली आपका मैसेज पढ़ रहा है तो उसे वॉइस मैसेज भेजें। वॉइस मैसेज के ब्लू टिक ब्लॉक नहीं होते और इस तरह आपके सामने दूसरे बंदे की पोल खुल जाती है। तो अब हम चलते हैं टिप नंबर 7 की तरफ। दोस्तों, अगर कोई आपसे मिलने आ रहा है और आप चाहते हैं कि वो आपकी लोकेशन को आसानी से ढूंढ ले तो आप उसे अपनी लोकेशन गूगल मैप की मदद से आसानी से भेज सकते हैं। इसका तरीका यह है कि आप ये पेपर क्लिप वाले आइकॉन पर टैप करेंगे और फिर आप लोकेशन को सिलेक्ट करेंगे और सेंड योर करंट लोकेशन यहां से आप सेंड कर देंगे, जो 10 से 25 मीटर के फासले के अंदर अंदर आपकी लोकेशन सेंड हो जाएगी। जी दोस्तों, अब चलते हैं हम नेक्स्ट टिप की तरफ। दोस्तों, आप टेक्स्ट भेजते वक्त अपने टेक्स्ट को अगर बोल्ड सेंड करना चाहते हैं तो उसका तरीका क्या होगा कि आपने पहले स्टार प्रेस करना है और उसके बाद कोई भी वर्ड, मसलन हेलो लिखना है और इस तरीके से एंड में स्टार लगा के सेंड कर देना है, तो आपका जो मैसेज है वो बोल्ड हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, अंडरस्कोर अगर आप शुरू में लगाएंगे और आखिर में लगाएंगे तो इससे आपका जो मैसेज है वो इटैलिक फॉर्म में आ जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे एहतियात करनी है कि गैप नहीं आना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, इस तरीके से आप स्ट्राइक थ्रू वाला मैसेज भी भेज सकते हैं, लेकिन दोस्तों एंड में देखें गैप आ रहा है, ये गैप मैं मुझे ख़त्म करना है। बैक स्पेस से मैं ये गैप ख़त्म करूँगा और फिर मैं दोबारा से ये सिंबल, इस सिंबल को कंटिन्यूस सिंबल भी कुछ लोग कहते हैं लेकिन अब इसका बाकायदा नाम है टिल्ड। जी, दोनों तरफ आपने टिल्ड का मैसेज जो है, टिल्ड का साइन लिखकर आपने कुछ भी टेक्स्ट मैसेज करेंगे तो उससे आपका जो टेक्स्ट है वो स्ट्राइक थ्रू उसके अंदर आ जाएगा, यानी वो बीच से कटा हुआ जाहिर हो जाएगा। तो दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ।
दोस्तों अगर आपके साथ ऐसा होता है कि कोई मैसेज आपको पसंद आ जाता है और उसे बाद में आप दोबारा से देखना चाहते हैं या किसी को रीसेंड करना चाहते हैं लेकिन आपको ढूंढने में उसे परेशानी होती है तो ये टिप आप ही के लिए है। तो इसके लिए ऐसा करना है कि आपने किसी भी मैसेज के ऊपर लॉन्ग प्रेस करना है और उसके बाद ऊपर मेनू जो आ जाता है इसमें आपने स्टार पर टैप कर देना है तो आपका ये मैसेज स्टार हो गया। यानी कि आप मेन विंडो में जाइए और बाद में इस मैसेज को ढूंढना चाहते हैं तो मेन पेज के ऊपर 3 डॉट पर आप टैप करेंगे और स्टार्ड मैसेजेस पर टैप करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर आपके तमाम स्टार्ड मैसेजेस जाहिर हो रहे हैं। अगर आप ये थैंक यू वाला मैसेज है इसको आप चाहते हैं कि ये इस लिस्ट से मैं हटा दूं, इसका स्टार ख़त्म कर दिया जाए तो इस पर दोबारा से लॉन्ग प्रेस करेंगे, ऊपर स्टार जो है उस पर एक बार टैप करेंगे और इस तरीके से लिस्ट से वो निकल जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। दोस्तों अगर आप पूछते हैं कि व्हाट्सएप को हैक किया जा सकता है या नहीं तो मैं कहूँगा कि आसानी से किया जा सकता है। डिटेल तो इसकी मैं फिर किसी वक्त बताऊँगा लेकिन अभी के लिए यह है कि आप ये पता लगा सकते हैं कि इस वक्त आपका मोबाइल हैक हो चुका है या नहीं। तो ऐसा जानने के लिए आपको मेन पेज के ऊपर आना है और 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है, यानी कि टैप करना है और फिर आपने व्हाट्सएप वेब के ऊपर टैप करना है। तो दोस्तों ये देखिए 3:19 पर मेरा जो व्हाट्सएप है वो हैक किया गया है। यानी कि ये कराची से कोई लास्ट एक्टिव मेरे व्हाट्सएप को किसी ने एक्टिवेट किया है। तो एक्चुअली दोस्तों ये किसी और ने हैक नहीं किया है, ये मैंने ही अपने व्हाट्सएप को विंडोज़ में खोला है और ये यहाँ पर शो हो रहा है। अगर कहीं पर भी किसी भी डिवाइस में कोई भी आपका व्हाट्सएप ओपन करेगा तो वो यहाँ पर शो हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए आप यहाँ से लॉग आउट फ्रॉम ऑल डिवाइसेस कर सकते हैं। दोस्तों हैक होने से बचने के लिए क्या करना है और क्या ऐसी सेटिंग करनी है कि कोई आपको कभी हैक ना कर सके, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो फिलहाल हम अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ जाते हैं। दोस्तों चैट विंडो में हम खूबसूरत वॉलपेपर्स भी लगा सकते हैं और जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर अभी कोई खूबसूरत वॉलपेपर नहीं है। आप ऊपर 3 डॉट पर टैप कीजिए और वॉलपेपर पर टैप कीजिए और तरह तरह के वॉलपेपर्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं वॉलपेपर लाइब्रेरी से। ये लाइब्रेरी जो है ये बहुत खूबसूरत वॉलपेपर दे रही है, जैसे कि ये वॉलपेपर मैंने सिलेक्ट कर लिया और सेट पर हम टैप कर देंगे तो इस तरह से ये वॉलपेपर जो है वो सिलेक्ट हो चुका है। इसके अलावा आप वॉलपेपर पर टैप करके नो वॉलपेपर भी कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट वॉलपेपर भी कर सकते हैं, कोई सॉलिड कलर अगर सिलेक्ट करना चाहें तो सॉलिड कलर भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपकी कोई पर्सनल पिक्चर जो है वो यहाँ पर आ जाए तो आप गैलरी में जाकर अपनी कोई भी पिक्चर जो है उसे सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर लगा सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। जी दोस्तों डार्क मोड का ताल्लुक खूबसूरती से नहीं है बल्कि हेल्थ से है। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग रात में बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं उनके लिए ये एक गिफ्ट से कम नहीं है। इससे आपकी आंखों और सर में दर्द नहीं होगा। इसका इस्तेमाल दिन में भी किया जा सकता है लेकिन इसे खसूसी तौर पर रात के लिए बनाया गया है। तो दोस्तों ये इसका तरीका क्या है, इसके लिए आप 3 डॉट पर आप टैप करेंगे और फिर सेटिंग में चले जाएंगे और फिर जनाब आप आ जाएंगे चैट्स में और यहाँ पर आप थीम का ऑप्शन देखेंगे और थीम पर जब टैप करेंगे तो लाइट एंड डार्क मोड अवेलेबल होंगे। डार्क मोड पर टैप करने के बाद ओके कर देंगे और इस तरीके से आपकी स्क्रीन जो है वो डार्क हो जाएगी। अब आप रात को देर तक अपना मोबाइल यूज़ कर सकते हैं, आपकी आंखों पर नेगेटिव असर नहीं पड़ेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। दोस्तों इस टिप का ताल्लुक ऑडियो मैसेज से है और इस टिप ने मुझे सबसे ज़्यादा मुतासर किया है। दोस्तों बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप कोई ऑडियो मैसेज सेंड करते हैं, आप कुछ कहते हैं और फिर आप सेंड कर देते हैं और बाद में सोचते हैं कि इसमें मैंने जो बात कही है वो कुछ मुनासिब लफ्ज़ों में नहीं थी, तो उसे डिलीट करने से पहले पहले ही दूसरा बंदा उसे रीड कर चुका होता है। तो इसका बहुत आसान हल है, अगर आप माइक पर टैप करते हैं तो उसको प्रेस करके रखें और ऊपर की तरफ स्लाइड कर दें। इस तरह से आपका मैसेज लॉक हो चुका है और मुसलसल आप जो बात कह रहे हैं वो उसमें रिकॉर्ड हो रही है और फिर आपको लगता है कि ये मुनासिब नहीं है तो आप इसे कैंसिल भी कर सकते हैं। दूसरी अहम बात यह है कि आपने इस पर प्रेस करके रखना है और ऊपर की तरफ स्लाइड करना है और आप इसमें जो बातें करेंगे वो रिकॉर्ड होती रहेंगी। लेकिन आप चाहते हैं कि मैं पहले अपनी बातों को सुनूँ
और सुनकर मुतमईन हो जाऊँ, तो उसके बाद मैं अपनी आवाज़ को सेंड करूँ। तो उसके लिए आप बैक करेंगे, बैक एरो से बाहर आ जाएंगे और वापस उसी चैट में जाएंगे और आप देखेंगे कि आपका जो रिकॉर्डिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। आप उसको टैप करके सुन सकते हैं जी। इसको यहाँ से सुनने के बाद अगर आप मुतमईन हो जाते हैं तो आप इसे सेंड कर देंगे, वरना लेफ़्ट साइड से इसको डिलीट कर देंगे। तीसरी बात यह है दोस्तों कि आप इसे प्रेस करके रखते हैं और आप कोई बहुत लंबी बात करनी है तो देर तक प्रेस करने में भी हमें परेशानी होती है, उसके लिए भी ये लॉक करके आप देर तक लंबी वॉइस जो है रिकॉर्ड करके सेंड कर सकते हैं। इसे हम कैंसिल कर देते हैं। चौथी बात दोस्तों यह है कि अगर आपने कोई साउंड रिकॉर्ड की है और फ़ौरन से आपका मन चाह रहा है कि मैं इसे डिलीट कर दूं, तो आप लेफ़्ट साइड पे उसे स्लाइड कर दीजिए और इस तरीके से आपकी जो ऑडियो मैसेज है आपका वो फ़ौरन से डिलीट हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो बहुत बहुत पसंद आई होगी। आपने लाइक तो कर ही दिया होगा और सब्सक्राइब तो आपने पहले ही किया हुआ है चैनल को, बस आपने इसे शेयर भी कर देना है। और मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।